थे, उनको गांव जाना था, सुबह हम साथ ही थे। लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद हम कल्चर की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, हमने अपने कल्चर को फ़रोग देने के लिए, अपनी हेरिटेज को फ़रोग देने के लिए, टूरिज़्म को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। अभी वो नहीं है जो पोटेंशियल है, जो सिंध के अंदर टूरिस्ट अट्रैक्शन तो सयाहियों के लिए जगहें हैं, वो उस तरीके से हम नहीं कर सके हैं, लेकिन हमारा काम ज़रूर चल रहा है। हम सेवन में खड़े हैं, सेवन सूफियों का शहर एक वक्त में सिंध का दारुल खिलाफा था। सिर्फ सेवन शहर के अंदर सयाहियों के लिए इतनी जगहें हैं कि मेरे ख्याल है अगर कोई आएगा तो सेवन और इर्द गिर्द में उसे कम से कम 10 दिन लगेंगे ये एक्सप्लोर करने में। यहाँ से गोरख हिल आप सबको पता है, वो भी करीब है मंचूर, कहते हैं एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील होती थी, इस वक्त तो खैर हमने उसकी जो काफ़ी हालत ख़राब कर दी है काफ़ी सालों से। यहाँ पे अगर आप चले जाएं तो बड्डो एक हिल स्टेशन है तकरीबन 4,000 फुट की, सर 4,500 फुट की बुलंदी पे जिसको हमने बनाया था। अभी मुझे रिसेंटली उस पर मेरे वालिद साहब ने एक टीवी सेनेटोरियम और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, वो उधर ही रह गया है, अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ा, उसको शुरू किया था और बाद में फिर उसको रुकवा दिया गया था। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने अप्रोच किया था कि ये बिल्डिंग्स हम टेक ओवर करके कुछ करना चाहते हैं, मैं उनके साथ अभी नहीं बताता आपको, इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा तो हम उस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का। और हमारी जो रिच हेरिटेज है, ये किला 2500 साल की तो हमें पता है इसकी हिस्ट्री, उससे